इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हमारा एक हिस्ट्री क्या चल रही है, इसमें यूएई और सऊदी अरेबिया की हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो मर्जी गवर्नमेंट के, शायद ख़राब तरीन सतह पर हैं। यूएई ने लेटेस्ट जो है वो वीज़ाज बंद कर दिए, टूरिस्ट और वर्क वीज़ाज 13 ममालिक के। हमें फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया, वेलकम बैक टू दैट। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम शाह साहब। दो तीन सवाल वेरी क्विकली। अभी आप यूएई गए, उससे पहले इंडियन चीफ भी गए हुए थे, इंडियन बड़े हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहे थे, हमारे वीजाज भी उस लिस्ट में हम आगे में। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आपने यूएई, क्या आपको बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था कि बिकॉज कोई इतलात वहां से आपसे शेयर हुई है इमिनेंट स्ट्राइक की, बिकॉज आपने दो तीन हिंट दिए कि एलाइज को इंडिया ऑन बोर्ड करना चाह रहा है, और आपका अचानक यूएई जाना और फिर वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सर्ट ऑफ कमिंग बैक, ये टाइमिंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये कुछ बता सकते हैं इसमें हमें। देखिए, पहले तो ये अचानक में नहीं गया, ये हमारा प्रोग्राम तय हुआ था, डेट तय हो चुकी थी और उसके मुताबिक मैं गया था। मैं जरूरत महसूस कर रहा था कि यूएई के साथ मुलाकात होनी चाहिए। हमारा एक जो दो तरफा ताल्लुकात हैं और रीजन में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो जो मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हैं, उस पर हमारा आपस में तबादला ख्याल होना चाहिए, जो कि हुआ। इसी तरह वीजा के इशू है, इस पर भी तबादला ख्याल मैं समझता था होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें एक इस्तराब की कैफियत थी, एक अनसर्टेनिटी थी और उसको दूर होना जरूरी था। चुनाचे मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। जहां तक ये जो इंफॉर्मेशन जिसका आपने जिक्र किया है, ये इंफॉर्मेशन यूएई से नहीं, ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये चीजें पिक की और उसको वहां जिक्र इसलिए किया गया कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर वो कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको प्रियम्प्ट किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हम बेखबर नहीं है, हमारे इल्म में चीज आ चुकी है और इसका तदारुक होना जरूरी है। उसका यूएई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो ऑन द होल ताल्लुकात हमारे हैं और जो उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है, देखिए एक सॉवरन मुल्क है, उनके सफारती ताल्लुकात उनके साथ तरीना है, उनकी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अपनी नौयत है, हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात थे और रहेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अहमियत से वो वाकिफ है और पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन से वाकिफ है और हम भी वो हमारी करते हैं और इंशाल्लाह। I know you're traveling, मैं सिर्फ दो तीन सवाल आपसे करूंगा। एक तो ये बताएं, उसी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप सिक्योरिटी मिनिस्टर से ही मिलेंगे, वीजा पे क्या फाइनली डिसाइड हुआ है? वीजा पे मैंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उनका भी सुना और मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि ये एक, उन्होंने इसका एतराफ किया, ये एक टेम्प्ररी हमने चीज की है और इंशाल्लाह इसको हम जल्द इसको हम रिमूव कर देंगे, इस रिस्ट्रिक्शन को। जो ऑलरेडी दिए हुए वीजाज हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वक्ती तौर पर नए इजरा की पाबंदी है, इसको इंशाल्लाह रिमूव करने का इरादा है। एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं सब अच्छा है, जितने सिग्नल्स हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से पाकिस्तान रिलेशंस में बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी जो हमें एड भी दिया हुआ था 3 बिलियन, वो भी दो किस्तें पहले ले ली, थर्ड जो सा फाइनल बिलियन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वापस करेंगे। जो ऑयल फैसिलिटी थी वो सस्पेंड हुई, वो भी रिन्यू नहीं हुई। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया के साथ वेरियस स्ट्रेटेजिक उनके एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो गया हुआ है, इवन उनके आर्मी ऑफिसर्स भी अब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में। किस तरह आप कहते हैं कि सब अच्छा है और वो हमारी कॉस्ट पर रिलेशनशिप नहीं बन रही? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो फरमा रहे हैं कि अलार्मिंग है,
आपकी असेसमेंट हो सकती है, मेरी असेसमेंट ये है कि वो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, उनके उनसे ताल्लुकात थे और हैं और रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे जुदागाना है। हमारे ताल्लुकात अपनी है और वो रहेगी, पाकिस्तान की अहमियत अपनी है और वो बरकरार रहेगी। आपने फरमाया कि उन्होंने हमें सपोर्ट की, यकीनन की, लेकिन वो सपोर्ट जो की जाती है आप देखिए किस हालात में की गई। उस वक्त हमारा IMF के साथ गुफ्तगू चल रही थी, इमीडिएट जरूरत थी, तो वो हमारे उन्होंने बेल आउट दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये टेम्पररी, मतलब ये फॉर एवर तो नहीं है ना। हमने चीज ली हुई है और उस पर हम उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं, हमने वापस कर भी करनी थी, हमारी गुंजाइश मिली हमने वापस कर दी। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान को, अब ये फैसला करना होगा कि वो सऊदी अरेबिया इस ब्लॉक के साथ हैं जहां से साल के हमारे रेमिटेंसेस आती हैं 10 बिलियन के करीब, हमारे लाखों लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं, या टर्की, मलेशिया, ईरान वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा, से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा, जहां से आइडियोलॉजिकली शायद ज्यादा क्लोज हों प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इकोनॉमिकली हमें उन ब्लॉक्स का कोई फायदा नहीं है। क्या हम इस नहज पे आ गए कि हमें अब चूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड तो डिवाइड हो गया है लीडरशिप के इश्यूज में इन दो ब्लॉक्स में, वेदर हम माने या ना माने, एक सऊदी लेड ब्लॉक है, एक टर्की लेड ब्लॉक है, क्या पाकिस्तान को अब चूज करना पड़ेगा? पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद हैं। हम जरूरी नहीं है हमने पिक एंड चूज करना है, जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हैं वो तुर्की जानता है और तुर्की पहचान, जो तुर्की के हमारी गर्मजोशी और ताल्लुक रहे वो कोई जीरो सम गेम नहीं है कि एक की कोर्स पे हमने दूसरे को चेंज करना है। हमारे सबसे ताल्लुकात है और सबके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि हम तो एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, और हमारी ख्वाहिश हमेशा रही है कि अगर भाइयों में गलतफहमी हो तो उस गलतफहमी को दूर करने में हम किरदार अदा कर सके तो हमें करना चाहिए। सर, ये हमारे नजदीक जीरो सम गेम शायद ना हो, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये सऊदी अरेबिया और UAE के लिए भी जीरो सम गेम नहीं है? मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया और UAE दोनों पाकिस्तान की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हैं, और वो हिंदुस्तान के कॉस्ट पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को हरगिज़ नहीं बिगाड़ेंगे। I am confident कि ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, और हिंदुस्तान कोशिश जरूर हो सकती है, देखिए वो आपका मुखालिफ है, वो जहां भी आपको जब पहुंचा सकता है पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे एतमाद है कि मेरी गुफ्तगू हुई है कि वो इसमें नाकाम होगा। शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन वीजा पे, गोइंग बैक टू दैट, जब आपकी वीजा पे बात हुई रिज्यूम करने के, कोई टाइम फ्रेम तय हुआ कि मैक्सिमम कितने अरसे में वीजा ये रिवाइव हो जाएंगे? क्योंकि जो यहाँ पे एस्टिमेट्स आ रहे हैं, और मैं मीडिया भी देख रहा था, एक्सपर्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, कि 300 से लेके 800 से 1000 जॉब डेली लॉस हो रहा है पाकिस्तानियों को, और वो इंडियन उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सो एवरी डे मैटर्स। क्या आपको कोई उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया कि इतने दिनों में हम रिजॉल्व कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक, ये भी स्पेकुलेटिव बात है कि जी इतने जॉब्स डेली जा रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये इंटरव्यू का वीडियो होता है, खत्म आप करते हैं इस वीडियो के बारे में बात, इनके इंटरव्यू के बारे में बात। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी अभी कुछ दिन पहले गए थे UAE और सऊदी अरेबिया के दौरे पर। बेसिकली इनका वहाँ पर मेन मुद्दा था कि पाकिस्तानियों को जो वीज़ा कैंसिल किए गए हैं, या नए जो पाकिस्तानी जिनको वीज़ा मिलने वाले हैं उन्हें वीज़ा नहीं दिए जा रहे, बेसिकली इस मुद्दे पर ये बात करने के लिए गए थे वहाँ पर। तो दोस्तों, इनडायरेक्टली इस पत्रकार ने ही बोल दिया कि वो मुद्दा तो वहां पर हुआ है नहीं सॉल्व। अब पाकिस्तानी मीडिया करेगी क्या? तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वहां क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानियों के फॉरेन मिनिस्टर की वहां पर कुछ भी बात नहीं सुनी गई, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अब वहां से आएंगे खाली हाथ। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए सऊदी अरेबिया और UAE में जो फेल हुए थे, वहां पर इन्होंने क्या किया, अबू धाबी में इन्होंने कर दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ भी बात करते हुए बोल दिया कि मोदी किसानों
का जो आंदोलन भारत में चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और जिससे सारी मीडिया का अटेंशन चला जाएगा इंडिया पाकिस्तान वॉर पे। इस तरीके की घटिया बातें इसने वहाँ पर कर दी शुरू। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान ऐसी बातें करने के लिए पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तानी मीडिया मशहूर है। अगर इंडिया में कोई इलेक्शन चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने वाली है, इनका बेसिकली पॉइंट ये होता है। हर बार ऐसे कुछ यहाँ से आपने सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की बातें होती हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का आपने फ्रस्ट्रेशन देखा, कितने अच्छे से बोल रहा है, इन लोगों के पिछवाड़े लाल हुए पड़े हैं, लेकिन बोल रहे हैं भैया ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें ये करते हैं। पिटे पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई ऑयल नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम मुल्क सुन नहीं रहा है, कश्मीर कश्मीर करते रह रहे हैं, फिर भी कहते हैं भैया सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी। आप समझ सकते हैं इनकी क्या हालत है। आपने देखा इनके फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से बोल रहे हैं, यूएई एक इकलौता मतलब अकेला खुद अपनी पॉलिसी मेकर, खुद अपनी पॉलिसी बनाता है, उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, यूएई भारत के जो रिश्ते हैं वो उसकी मतलब खुद के हैं, भारत उस भारत और यूएई सऊदी अरेबिया खुद के रिश्ते हैं, पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, पाकिस्तान उन उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता है, बेसिकली ये बोला। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भी यूएई और सऊदी अरेबिया ने कश्मीर को लेकर अब बात करना शुरू कर दी है और बोल दिया है कि भैया कश्मीर कश्मीर करना करो बंद, अब कश्मीर कश्मीर मत करो और इसराइल को भी एज अ कंट्री कंसिडर कर लो, अब बहुत हो गया, तुम ज़्यादा इस्लाम के ठेकेदार मत बनो, टर्की की बातों में मत आओ, टर्की तुम्हें पैसा नहीं देगा, भूखे ही मरोगे, हम तुम्हें भीख देते हैं हर साल, उस भीख को करो एंजॉय और अपने वहाँ की लेबर भेजो, यहाँ पे करेगी काम, पैसा कमाएगी, घर भेजेगी, बकवास करो बंद। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था इंटरव्यू। इन्होंने बड़े मीठे अंदाज में फ्रस्ट्रेशन भरी बातों को बड़े प्यार से बोला है। तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अगर अपने सुझाव देना चाहते तो दें, नहीं तो गाली दें। धन्यवाद दोस्तों।